हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं हम सॉल्यूशन ऑफ वॉलंटरी इंटीग्रल इक्वेशन। बेसिकली वॉलंटरी इंटीग्रल इक्वेशन के सॉल्यूशन हम किस तरह से निकाल सकते हैं, ये हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। इससे प्रीवियस वीडियो थी उसमें हमने फ्रेंड्स जो पढ़े थे वो वॉलंटरी इंटीग्रल इक्वेशन क्या होता है और साथ में फर्दुलम इंटीग्रल इक्वेशन क्या होता है, इसके काइंड्स किस किस प्रकार के काइंड्स होते हैं, ये सब कुछ हम प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं। और साथ ही कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है उसको वॉलेटर डिफरेंशियल इक्वेशन में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं, ये भी हम प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में हम सिंपली दो इन पर चर्चा करेंगे, फर्स्ट वाइस टेस्ट एम टेस्ट एंड सेकेंड इस थ्योरम। नेक्स्ट वीडियो में इस थ्योरम का हम प्रूफ पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में हमें सिर्फ दो चीज़ें पढ़नी है, यानी कि वाइस टेस्ट एम टेस्ट क्या होता है और इस थ्योरम थ्योरम का प्रूफ जो है हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो बेसिकली वाइस टेस्ट एम टेस्ट क्या होता है हमारे पास, सपोज कि हमारे पास एक सीरीज है समेशन ऑफ एफ एन जेड इज एन इनफाइनाइट सीरीज ऑफ सिंगल वैल्यूड फंक्शन डिफाइन ऑन अ क्लोज बाउंडेड डोमेन डी। लेट समेशन ऑफ एम एन बी ए सीरीज ऑफ पॉजिटिव कॉन्स्टेंट है, समेशन ऑफ एम एन जो है वो सीरीज ऑफ पॉजिटिव कॉन्स्टेंट्स है इंडिपेंडेंट ऑफ जेड सच दैट किस तरह से है मोड ऑफ एफ एन जेड जो है मोड ऑफ एफ एन जेड जो है वो लेस देन इक्वल टू एम एन फॉर ऑल एन बिलोंग्स एन एंड फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू डी। बेसिकली ये हमारे पास एक तरह से एफ एन जेड जो है वो बाउंडेड है। और सब सेकेंड है हमारे पास समेशन ऑफ एम एन जो है वो कन्वर्जेंट है, समेशन ऑफ एम एन जो है ये कन्वर्जेंट है। तो उस कंडीशन में हमारे पास द सीरीज समेशन ऑफ एम एन एफ एन की जो सीरीज होगी इज यूनिफॉर्मली एंड एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट इन डी। तो उस कंडीशन में ये सीरीज जो होगी वो यूनिफॉर्मली एंड एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगी डी में। तो ये हमारे पास बायस टेस्ट एम टेस्ट बोलता है। उसके बाद ये थ्योरम देखते हैं। थ्योरम है हमारे पास लेट यू एक्स बराबर एफ एक्स प्लस लेमडा ए टू एक्स, ये इंटीग्रेशन है के एक्स जाई यू जाई डेल जाई बी आर नॉन लीनियर वॉलेटरी इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकेंड काइंड विद कॉन्स्टेंट ए एंड लेमडा। ए और लेमडा जो है ये कॉन्स्टेंट हैं। एफ एक्स इज अ नॉन जीरो रियल वैल्यूड कॉन्टीन्यूस फंक्शन, एफ एक्स जो है वो नॉन जीरो रियल वैल्यूड कॉन्टीन्यूस फंक्शन है इन द इंटरवल, को इंटरवल है ए बी। के एक्स जाई इज अ नॉन जीरो रियल वैल्यूड कॉन्टीन्यूस फंक्शन डिफाइन ऑन द रेक्टेंगल आई क्रॉस आई, यानी कि इस रेक्टेंगल में जो रेक्टेंगल बेसिकली ए बी क्रॉस ए बी में डिफाइन कोई हमारे पास रेक्टेंगल है जहाँ पे एक्स जाई जो है वो इस तरह से है कि ए लेस देन इक्वल टू एक्स और जाई जो है वो लेस देन इक्वल टू बी एंड के एक्स जाई जो है वो लेस देन इक्वल टू एम है एंड आर। देन द गिवन इक्वेशन हैज वन एंड ओनली वन कॉन्टिन्यूस फंक्शन यू एस, उस कंडीशन में जो इक्वेशन जो गिवन है वो ओनली एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन यू एक्स इन आई एंड दिस सॉल्यूशन इज गिवन बाय द एब्सोल्युटली एंड यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट सीरीज। जो ये सॉल्यूशन है इसका जो सॉल्यूशन होगा वो एक एब्सोल्युटली एंड यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट सीरीज की फॉर्म में दिया जाएगा और जो सीरीज होगी वो यू एक्स बराबर एफ एक्स प्लस लेमड़ा ए टू एक्स के एक्स टी एफ टी डी टी प्लस लेमड़ा स्क्वायर ए टू एक्स ए टू टी के एक्स टी के टी टी वन एफ टी वन डी टी प्लस इस तरह से एक सीरीज की फॉर्म में दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स बेसिकली इनको इस सीरीज को थ्योरम को प्रूव करने के दो मेथड है हमारे पास। जो मेथड है हमारे पास फर्स्ट है मेथड ऑफ सक्सेसिव सब्स्टिट्यूशन एंड सेकेंड है मेथड ऑफ सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन। अब इस थ्योरम का प्रूफ जो है वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स।